हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सब लोग एक साथ बैठ जाइए। बिल्कुल पंडाल में कथा स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल मस्त मौज में केवल सुनते रहना गुरु, बहुत मजा आएगा इस चैनल पर रह के आपको। मेरे मित्रों, जिस पहले म्यूचुअल फंड की मैं कुछ चर्चा करूंगा, मैं तीन चार म्यूचुअल फंड्स की आज की डेट पर चर्चा करने वाला हूँ। डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, कुछ डिफरेंट थीम से रिलेटेड होंगे, तो इन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे रख के किस तरीके से आप अपने लिए, जो जब SIP की बारी आती है या लमसम की बारी आती है, तो किस तरीके से अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस तरीके से आपके एसेट को एलोकेट किया जाए, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। मेरे मित्रों, जो पहला म्यूचुअल फंड मैंने रखा है, इसका NAV आप 81 रुपये का समझ लेना, और मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो 18.55% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न का डिलीवर करके दिया है। और जो ये डेटा है हमारे पास, पिछले 10 सालों का डेटा है हमारे पास, वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 out of 5 रेट किया हुआ है, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। श्रेयस देवालकर साहब आपके फंड को मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ चलिए कुछ और चीज़ों की अगर इससे रिलेटेड मैं बात करूँ, तो देखो पिछले 10 सालों में 500% के ऊपर का रिटर्न गुरु देखते ही बनता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क आपका वेरिया रहता है, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स के तौर पे हो, वहाँ भी रिस्क आपका वेरिया रहता है। एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपसे बात कर रहा था, एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की 19,539 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.54% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे, 4.12% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। चलिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियन होटल्स, ICICI बैंक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे कुछ दिग्गज स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा जाएगा। मेरे मित्रों, ऑल इन ऑल अभी मैं बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड में मैंने बात करी एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड की। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पे चलते हैं कि देखते हैं आज के पिटारा में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। मेरे मित्रों, आज के इस पिटारा में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड चुना है, उसका NAV 175 रुपये का चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 19.27% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ये जो डेटा हमारे पास पिछले 10 सालों का है, वैल्यू रिसर्च ने इसको कम रेट किया है, 3 out of 5। सोहनी अंदानी साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे, यही मैडम आपके पैसे को मैनेज करेंगे, कब कहाँ कैसे किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना है वो इनको पता है। अभी मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 9,370 करोड़ का असेट साइज है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी भरोसा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसका असेट साइज है। और क्यों हो भी ना, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में गुरु 19% के आसपास का CAGR आसान नहीं होता है देना, 0.98% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करती रहेंगी, और 3.47% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है, एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ क्रिसिल लिमिटेड, शॉफलर इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, थर्मैक्स लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनी इसके अंदर आपका पैसा जाएगा। चलिए तीसरे नंबर पे देखते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड मैंने आपके लिए चुना है। इस पिटारे में जो मैंने तीसरा म्यूचुअल फंड आज के डेट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो NAV देखो 77 रुपये का इसका NAV चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे, 24% का CAGR का हिसाब से रिटर्न पिछले 10 सालों में इसने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। 5 out of 5 इस म्यूचुअल फंड को भी रेट मिला हुआ है। और श्रेयस देवालकर साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, ये फंड मैनेजर हैं जिसके लिए आप इनको थोड़ा सा पेमेंट करोगे। 5 साल में देखो भाई साहब 100% के ऊपर का रिटर्न गुरु दिखाता है भाई साहब। रिस्क आपका वेरिया ही रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? एक्सिस का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात करी थी एक्सिस के मिड कैप की, कभी आप ये गलती मत करना कि एक पोर्टफोलियो के अंदर दो सेम असेट मैनेजमेंट कंपनी मत लेना। अगर सपोज दैट मिड कैप में अगर आपने एक्सिस डाल लिया है, तो कोशिश करना स्मॉल कैप में आपके पास एक्सिस ना हो, या आपके पोर्टफोलियो में दूसरा एक्सिस ना हो। क्योंकि होता क्या है, अगर जब आप दो चार सेम असेट मैनेजमेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड ले लेते हो, तो सपोज दैट जो एलिगेशन अगर किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर लगे, तो वो आपका पूरा फंड ले जाएगा, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो। इस वजह से दूसरी असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स को चुनना। सपोज दैट आपने अगर एक्सिस का मिड कैप ले लिया है, तो आप चुन लेना SBI का स्मॉल कैप चुन लेना। अगर आपने SBI का मैग्नम का मिड कैप ले लिया है, तो आप एक्सिस का स्मॉल कैप चुन लो। तो इस तरीके से एक अच्छे तरीके से पैसे को मैनेज करोगे, पैसा आपका भी बनेगा। 12,256 करोड़ का असेट साइज है इसका, 0.53% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, 3.97% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। केमिकल्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ नारायणा, हृदयालय, CCL प्रोडक्ट्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा।